बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.9 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिए थे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो इस्तेमाल करना है। वो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है। उसके मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि आपने पहले जिस फंक्शन को आपने मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना होता है, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज, सबसे पहले तो आपने उसका डेरिवेटिव लेना होता है। जब आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो डेरिवेटिव लेने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को आप जीरो के इक्वल पुट करते हैं, वहां से एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली होती है ना, वो हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। पुट करने के बाद अगर तो वो लेस देन जीरो आता है तो फिर तो वो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है, अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो फिर वो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है। इस तरह से हम उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर ना नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट मीन्स कि आपके पास नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है। तो ये वाली टेक्निक यूज करते हुए हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब यह है कि रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा। आपने इस फंक्शन की रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है या उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ये पहला आपके पास फंक्शन है, इसका आपने रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश ऑफ x आ गया जी -3x² फॉर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहां पे उसका फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है ना वो जीरो होता है। ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर दिया। यहां से आपके पास -3x² जीरो आ गया, इट मीन कि आपके पास x जीरो आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव से जीरो आ गई। अब आपने क्या करना है जी, इस इक्वेशन नंबर 1 का सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो आपने 1 को अगेन डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर रूल लगाया तो ये आएगा -6x। ठीक है, अब ये सेकंड डेरिवेटिव जो आ गया ना, अब x की जो वैल्यू आई है आपके पास, x की वैल्यू 0 आई है, ये आपने इसमें पुट करना है। आपने 0 पुट किया, f डबल डैश ऑफ 0, तो ये आ गया -6 ऑफ 0, तो ये 0 हो गया जाहिर है। फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव से एक्स की जो वैल्यू आपने निकाली है वो सेकंड डेरिवेटिव में आप पुट करें और वैल्यू जीरो आ जाए, दैट मीन कि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। टू डिटरमाइन द एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड नहीं कर सकता, बिकॉज के ये सेकंड डेरिवेटिव जो है एट पॉइंट जीरो पे ये जीरो हो गया है। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर कोई और तकनीक लगानी है। आपने एक्स इक्वल टू 0 - एप्सिलॉन, यानी जीरो है ना, जीरो के इर्द गिर्द ही किसी जगह पे आपने पुट करना है। एप्सिलॉन एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। अब आपने 0 - एप्सिलॉन और 0 + एप्सिलॉन, यानी 0 से थोड़ा सा पीछे और 0 से थोड़ा सा आगे, अब आपने ये पुट करके देखना है कि आपके पास ये क्या आता है। ठीक है, यानी 0 पे आप बेसिकली आपके पास x 0 आया था, लेकिन 0 पे तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। जब 0 पे फेल होगा तो इट मीन कि आप इसके ऊपर 0 की नेबरहुड बनाएंगे, यानी 0 के करीब तरीन, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। जीरो लेफ्ट साइड पे आएंगे तो 0 - एप्सिलॉन आ जाएगा, और राइट साइड पे आएंगे 0 + एप्सिलॉन। अब ये आपने पुट करनी है। अब आपने एक्स की जगह पे 0 - एप्सिलॉन पुट करना है, तो -एप्सिलॉन का स्क्वायर +एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये भी -3x² = 0 आ जाएगा, लेस देन 0 हो गया। अब आपने 0 + एप्सिलॉन पुट करना है, ये भी आपके पास -3 - एप्सिलॉन² < 0 हो जाएगा। एज एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन बिफोर एंड आफ्टर एक्स। वो ये कहता है कि जब आप एक्स को 0 - एप्सिलॉन या 0 + एप्सिलॉन पुट करते हैं, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अपना साइन चेंज नहीं करता। इट मींस कि क्या होगा, सिंस एट 0 f ऑफ x = 1 देयरफॉर 0 1 इज द पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाला जो है ना 0 और 1, ये आपके पास है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। यहां पे इसका डेरिवेटिव मतलब एग्जिस्ट है, मतलब स्टेशनरी पॉइंट है इसमें, तो यहाँ पे ना तो इसकी रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और ना ही रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जब आप x को 0 पुट कर दें f(x) 1 ना, तो इट मीन कि आपके पास 0 1 का इंटरवल है, तो 0 1 इज द पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। इसी तरह आपके पास f(x) है जी x² - x - 2, इसको आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव आ गया जी 2x - 1। फॉर स्टेशनरी पॉइंट जस्ट पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो 2x - 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका आपने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2।
अब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव से यानी स्टेशनरी पॉइंट से जो एक्स की वैल्यू आई थी वो आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट किए तो ये आपके पास आया ग्रेटर देन 0। दस एफ हैज, अब मैंने आपको कहा था कि जब वो पॉजिटिव वैल्यू दे इट मीन कि आपके पास रिलेटिव मिनिमा पॉजिटिव हो तो रिलेटिव मिनिमा। दस एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1/2, यानी जब आप एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो आपके पास ये वाला जो फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो अब आपने फंक्शन में एफ ऑफ एफ की वैल्यू 1 और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है क्या, अब आपने जहां पे x है वहां पे 1/2 पुट कर दिए तो आपके पास ये आ गया -9/4। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में चूंकि इसलिए था कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया था इसलिए हमें उसकी 0 की नेबरहुड बना के उसको दोबारा करना पड़ा, लेकिन आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल नहीं हुआ इसमें, तो हमें दोबारा नेबरहुड बना के नहीं करना पड़ा। इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, f of x = 5x² - 6x + 2। जस्ट पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया तो 10x - 6 फॉर स्टेशनरी पॉइंट f डैश ऑफ x = 0, तो ये आ गया 10x - 6 = 0। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई जी 3/5। अब आपने इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 10। अब जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाली हुई x की वैल्यू 3/5 इसमें पुट करेंगे तो ये आता है पॉजिटिव। दस f ऑफ x इज मिनिमम एट x 3/5, जब पॉजिटिव है तो रिलेटिव मिनिमम। अब आपने 3/5 पे इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है और ये मिनिमम वैल्यू 1/5 आती है। ठीक है, इसी तरह आप इसका चौथा पार्ट कर लेंगे, इस तरह आप इसका पांचवा पार्ट कर लेंगे, सब के सब पार्ट्स जो है वो इसी तरह से हैं। ये आपने अगर दो वैल्यूज आती हैं तो दोनों को बार बार आपने पुट करके देखना है कि आपके पास इसमें मैक्सिमम किस पे आती है और मिनिमम किस पे आती है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आपने इस तरह से कर लेने हैं। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरवल। इंटरवल आपके पास है जी 0 से 2π और फंक्शन आपके पास है जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सिर्फ आपने इस इंटरवल के अंदर बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है। ठीक है, अब ये है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स। फॉर स्टेशनरी पॉइंट आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू पुट कर दिया 0 के, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो cos x minus sin x right side पे आके plus sin x हो गया, तो आपके पास ये है sin x over cos x आ गया, right side पे 1 रह गया यानी उधर आके divide हो गया, तो sin x over cos x होता है tan x equal to 1। आपको पता tan कहाँ पे 1 होता है, tan 1 होता है जी pi by 4 पे और 5 pi by 4, यानी ये दो angles हैं जहाँ पे tan आपके पास 1 होता है, एक pi by 4 पे यानी 45 पे, एक आपके पास 225 पे, ये आपके पास होता है जी 1 होता है। ठीक है, 225 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है इसलिए आपके पास टाइम की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को अगेन डिफरेंशिएट किया तो आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी कॉस एक्स का आगे माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का आगे माइनस कॉस एक्स। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके आपने एक्स की जो दो वैल्यूज निकाली हैं पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 वो आपने बारी बारी यहाँ पे पुट करनी है। सबसे पहले तो आप पाई बाई 4 पुट करेंगे, पाई बाई 4 आपने इस फंक्शन में यानी सेकंड डेरिवेटिव वाले में पुट किया, f डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है कि वो इक्वल होती है 1 बाई स्क्वायर रूट 2 होती है, तो इसलिए आपके पास इन दोनों की वैल्यू आ गई -1/√2 - 1/√2। ठीक है, तो ये -1 - 1 - 2/√2 हो गया, तो ये आपके पास क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है तो इस लिहाज से ये लेस देन 0 हो गया। और आपको मैंने बताया था कि जब लेस देन 0 हो तो इट मींस कि फंक्शन हैज द रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट, द फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड f ऑफ पाई बाई 4। अब आपने जो दूसरी है, अब क्योंकि इस पे रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है, अब आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि पाई बाई 4 पे क्या होती है। अब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था ना, ओरिजिनल फंक्शन, उस फंक्शन में आपने पाई बाई 4 पुट कर देना है, f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 है, तो ये आपके पास 2/√2 हो गया। अब आपने स्केयर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये आपके पास जस्ट आ गया जी स्केयर रूट 2। अब फंक्शन की जो वैल्यू है ना मैक्सिमम जो पाई बाई 4 पे है और वो वैल्यू पाई बाई 4 पे जो आती है वो स्केयर रूट 2 आती है, यानी आप बता सकते हैं कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट पाई बाई 4 विच इज स्केयर रूट 2। ठीक है, सिमिलरली अब आपके पास दूसरा जो पॉइंट था x = 5 पाई बाई 4, अब आपने सेकंड डेरिवेटिव में जो है ना वो 5 पाई बाई 4 पुट कर देना है, तो 5 पाई बाई 4 आपने पुट किया तो आपके पास क्या आ गया -sin 5 पाई बाई 4 - cos 5 पाई बाई 4, ये आ गया -, अब -5
साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस इनटू माइनस कॉस स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली कॉस भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्योंकि ये 5 पाई बाय 4 जब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 या अगर 2 बाय स्क्वायर रूट 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, और ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है इसकी। तो अगर मैंने आपको कहा था कि जब पॉजिटिव आ जाओ तो इट मीन कि आपके पास फंक्शन हैज अ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट, तो फंक्शन हैज अ रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। अब आपके पास फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आई है 5 पाई बाय 4 पे, लेकिन वो क्या आई है उसके लिए आपने फंक्शन के अंदर 5 पाई बाय 4 पुट कर दिया। f ऑफ 5 पाई बाय 4 आ गया जी sin 5 पाई बाय 4 + cos 5 पाई बाय 4 माइनस वन बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस वन बाई स्क्वायर रूट 2 दिया गया माइनस 2 इनटू स्क्वायर रूट 2 दिया गया माइनस स्क्वायर 2, यानी ये रिलेटिव मिनिमम वैल्यू आती है, ऊपर वाले रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू आती है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एनुअल एग्जाम में भी आया होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 जो है वो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट y इज इक्वल टू log f x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। सिमिलरली आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू log ऑफ x ओवर x है, आपने इसको डिफरेंशिएट करने डिफरेंशिएट आप इसको जरा करेंगे, आपको याद होना चाहिए कि जब दो फंक्शन आपके पास कोशेंट के फॉर्म में तो आप उसके ऊपर कोशेंट रूल लगाते हैं। तो dy बाय dx आ गया जी dy बाय dx ऑफ log ऑफ x ओवर x, तो नीचे x का स्क्वायर आ गया, x ऊपर वैसे के वैसे log ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया 1 बाय x माइनस log ऑफ x वैसे के वैसे और x का डेरिवेटिव आ गया 1, ठीक है। तो ये इस x से x कैंसिल तो ये आ गया 1 माइनस log ऑफ x ओवर x स्क्वायर। For critical point या for stationary point में you have to put first derivative equal to 0, तो 1 minus log of x over x square is equal to 0 आ गया, ये x के इधर जाके 0 हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये आ गया 1 minus log of x is equal to 0 और log of x आपके पास हो जाएगा 1, और आपको पता है log of e आपके पास होता है 1, तो आपने 1 की जगह log of e put कर दिया। ये आप दोनों तरफ आपको फिर anti logarithm लेना पड़ेगा तो फिर भी आपके पास आएगा x equal to e, ठीक है, x equal to e आ गया। अब आपने बस जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको आपने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, उसका आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड किया कि फिर उसके ऊपर अगेन क्वेश्चन रूल लगा और आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया जो कि ये आता है, ये आप खुद से फाइंड कर लेंगे माइनस 3x प्लस 2x log of x over x पावर 4। अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करके एक्स की जो दो वैल्यू एक्स की एक वैल्यू निकाली है एक्स इक्वल टू ई वो आपने इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है और आपने बताना है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है या मिनिमम आती है। तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आपने पुट कर दिया जी ई, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई पे डी एक्स के मतलब सेकंड डेरिवेटिव में आपने एक्स को ई पुट किया तो माइनस 3 ई प्लस 2 ई लॉग ऑफ ई ओवर ई इज पावर 4। अब लॉग ऑफ ई 1 होता है माइनस 3 ई प्लस ई यहाँ का माइनस ई ओवर ई इज पावर 4, तो ये माइनस 1 ओवर ई की पावर क्यूब आ गया, तो ये लेस देन 0 है। आपके पास ई की जो वैल्यू आप 2.7158 पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो इट मीन कि फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ई। तो आपके पास जो फंक्शन है ना उसकी वैल्यू मैक्सिमम है इस पॉइंट के ऊपर जो कि आपके पास है ई, ठीक है। इस तरह ये आपके पास क्वेश्चन 4 हो गया जी 3-4, और आपके पास क्वेश्चन 5 है ये भी आपने खुद से कर लेना है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस एक्सरसाइज से अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है तो वो क्वेश्चन 3-4 और 5 में से ही आएगा। ये आपने अच्छे से कर लेना है, 3-4 मैंने करवा दी है, 5 आपने खुद कर लेना है, क्वेश्चन 2 अच्छे से कर लेना है। इसके साथ ही आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपने इसको रिवाइज करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या अगले वीक में आपका टेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।